हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज मैदा का पापड़ बना रही हूँ। तो देखिए, आधा कटोरी को मैंने मैदा लिया और इसके अंदर जीरा हल्दी नमक डाल के इसे मिक्स कर लिया है और इसके हम पापड़ बनाने वाले हैं। अब थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का सा पानी डाल के गूंथेंगे इसको, ज़्यादा आटे की तरह गीला नहीं करेंगे। और हम हर डिज़ाइन की खाना और मिठाई वगैरह बनाते हैं घर में, सामान से दुकान से हमने लेके आते हैं। देखिए, इसमें हम ऑयल डाल दिए, तो मेरी वीडियो प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। रेगुलर मैं इस तरह के कम बजट में, ज़्यादा मतलब जिसके पास ज़्यादा बजट होगा, जिसके पास कम बजट होगा, हर कोई इस तरह के रेगुलर घर में की मिठाइयाँ खाना सब बना के खा सकते हैं। इस तरह के वीडियो अपलोड करती हूँ कि सबको पसंद आता है। आप लोग को पसंद आए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, हम मैदे के आटे को किस तरह से एकदम टाइट सानना है, हाथ से नहीं सान पाएंगे, तो इसलिए हमने सिलबट्टे के लोढ़े से कूट रहे हैं इसे। बहुत ही टाइट है ये, और ऑयल डाल के इसे अच्छे से नरम कर लेंगे, हाथ से नहीं गूंथ पाएंगे आप अच्छे से। तो देखिए, अब हम इसे दिखाते हैं। देखिए, अभी टाइट है, अभी अच्छे से अगर जो गुंथा नहीं हुआ ना, तो इसे हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, थोड़ा छोटा छोटा लोई लेके देखेंगे हमारी मतलब पापड़ बेलने पे कैसा उसको मतलब इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अच्छे से इसको बेलेंगे। तो इस तरह से आप बना के रख सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमारे साथ जैसा हुआ वैसा हम आपको वीडियो में बताए हैं कि आप जल्दी ही मैदे के पापड़ परफेक्ट घर पे बना लेंगे। तो देखिए, हमने ऑयल लगा दिया है और ऑयल लगा के इसे बेल रहे हैं। और देखिए, बेलने के बाद से देखिए किस तरह फट रहा है ना, मतलब अभी लोई को अभी फैलाने पर ही फट रहा है, तो इसे और हम इस तरह से कर लेंगे। तो एक लोई अगर जो फट रही है तो सब लोई उसी तरह फटेगी। तो सब लोई को हम क्या करेंगे, एक साथ लेके और अच्छे से पहले और अच्छे से इसको मसल लेंगे आटे को बेलन से। तो देखिए, फट जा रहा है, तो इसे हम फिर भी तोड़ देंगे और तोड़ के फिर नया बनाएंगे। अच्छे से नहीं बन रहे, आपको वीडियो में दिखाना चाहते हैं, आपके परफेक्ट पापड़ बनना चाहिए। तो देखिए, हम इसे अच्छे से बेलन से मसल लेते हैं। आप सिलबट्टे के लोढ़े से भी मसल सकते हैं, बहुत ही टाइट है। इसके अंदर बहुत मेहनत लगता है, लेकिन कम सामान में आप घर पे बना सकते हैं। पापड़ आप बहुत ही महंगे हो चुके हैं इस टाइम, और आप घर पे अभी धूप का समय है तो आप कुछ भी बना के रख सकते हैं। देखिए, हमने आटे को अच्छे से अब गूंथ लिया है और कितना सॉफ्ट मुलायम दिख रहा है। देखिए, अब इस तरह से हम इसे पीस काट लेंगे, जितने आपको जितने छोटे बड़े पापड़ चाहिए उसके हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं, एक एक लोई को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस तरह से कट कर लेंगे, और हमें छोटे पापड़ लेंगे तो हम दो लोई ले लेंगे, और बड़े पापड़ लेना होगा तो दो लोई, और छोटे पापड़ के लिए एक लोई लेंगे। तो देखिए, हम इसको तेल लगा के बेलेंगे। तेल नहीं लगाएंगे तो ये पापड़ जल्दी से उठेगा नहीं और ना ही अच्छे से बेल पाएंगे। तो देखिए, अब इसे तुरंत बेल के हमें एक पेपर पे या पन्नी पे इस तरह से डालते जाना है, ताकि ये थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना तो चिपक जाता है और बहुत ही फास्ट सूखता है। इसे धूप में सुखा लिए हैं। अब अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब